हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेमेडी लेके आई हूँ और जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो ये है गैया का म्यूसली। इसमें देखिए क्या लिखा है, गैया करंची म्यूसली। जैसे कि आपको बनाना नहीं है, पकाना नहीं है, झटपट से नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और जिसको पाइल फिशर की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी है। जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर इस नाश्ते का सेवन करते हैं तो आपका वेट बहुत ही जल्दी लॉस होता है और ये वेट को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। देखिए 1 kg का है ये और 575 लिखा है। तो अगर आप इसे बुक करते हैं, अमेजोन से बुक करते हैं या डीमार्ट से बुक करते हैं तो एक के साथ एक फ्री मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है, जिससे आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, पकाना भी नहीं पड़ेगा और झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। आप ऑफिस जाना चाहते हैं या कहीं जल्दी में हैं तो आप झटपट से इसे सुबह सुबह मॉर्निंग में इसे ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो आपको खाना किस तरह से है, इसे दूध में भी ले सकते हैं और दही में भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 पाव दूध लिया है और उसमें थोड़ा सा म्यूसली डाल देती हूँ, जैसे कि आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा म्यूसली इसमें डाल देंगे और ये अच्छे से भीग जाता है। इसे आप 15 मिनट भिगो के रखिए, 15 से आधे घंटे के बीच में, आधे घंटे तक इसे रख सकते हैं। और इसे ढक्कन को अच्छे से बंद करके रख देना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो काफ़ी दिन ये चलता है। और मैंने होममेड म्यूसली भी डाला हुआ है। ये किशमिश है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और फल का भी आता है, ड्राई फल के म्यूसली अलग आता है। तो मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का है, फिर भी थोड़ा सा किशमिश डाल दिया है जैसे कि इसमें फाइबर ज़्यादा हो जाए। और ये बनाना थोड़ा काट के हमने डाल दिया है और एप्पल को भी हमने कट करके डाल दिया है। आप इसमें अनार डाल दीजिए, आप इसमें ग्रेप्स डाल सकते हैं। जैसे कि फाइबर की चीज़ें आप इसमें जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ये हेल्दी बनकर आपका नाश्ता झटपट से तैयार हो जाएगा। तो आप इसे किस तरह से यूज़ करते हैं उस तरह से यूज़ कीजिए, जो भी आपको पसंद है, बनाना, एप्पल और अनार, ग्रेप्स, सारे फल डाल के आप इसे सुबह नाश्ते में खाते हैं तो आपका वज़न जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसको खाने से ज़्यादा भूख नहीं लगती है, इसे जब हम सुबह सुबह खा लेते हैं तो काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। ये बहुत ही हेल्दी होता है। और जैसे जैसे कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स कब्ज़ की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, जैसे पाइल्स फिशर हो गया, तो जब इसे रोज़ाना यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में भी खा सकते हैं और रात में भी इसे ले सकते हैं, तो जब इसे आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। क्योंकि डॉक्टर बताते हैं इसे खाने से मतलब बिल्कुल भी पेट साफ़ होता है और कुछ भी आंतों में चिपकने का डर नहीं रहता है। तो इसलिए इसका सेवन आप ज़रूर से ज़रूर करें। और ये काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है खाने में। और कोई बनाने का झंझट नहीं है, ना ही पकाने का, ना ही गैस चलाने का, जो कि आप झटपट से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो आप इस नाश्ते को जब भी मर्जी खा सकते हैं। काफ़ी जल्दी से बनने वाला नाश्ता, बस आपके घर में दूध होना चाहिए या दही। दही में भी भिगो के आप खा सकते हैं। दही में आप फल थोड़ा मतलब अपने हिसाब से डालिए और दूध में आप कोई भी फल डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सारे फल 4 प्रकार के।